बोलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और यहाँ पर तूफान लेकर बारिश आ रहा है, मतलब बारिश तूफान दोनों एक साथ ही आने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा तूफान की तबाही होगा, और तूफान के साथ ये भी आया है। एक्चुअली मैं आधे रास्ते से लौट कर आ गया हूँ, मेरे बाइक पे तेल नहीं था तो तेल भरवाने के लिए जाने वाला था, लेकिन तूफान आ रहा था इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ। ओके गाइस, तो ये किस पेड़ का मतलब बीज है पता नहीं, लेकिन ये जब ऊपर फेंकूंगा तो देखिएगा। ले मर मर, अरे ये घूमते हुए नीचे आ रहा है। एक और मिला ये गाइस, सामने एक और, तीनों को एक साथ उड़ाऊंगा। अलग बोला देखिए किस तरह से घूमते, मतलब इस बीच को कुछ नुकसान नहीं होगा जब ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम नेचर ने दिया है इस बीच को। देखिए आराम से गिरेगा ये। ओके, तो ये जो कुछ भी चीजें पहली बार खाने वाला, उससे पहले मैंने कभी नहीं खाया ये ताल की, जो कि अंदर मिलते सबको खा सकते हैं, सुना है। दही किता घटनाडा आसनी इडा, अरे यंत्र के तो इडा तो मोटा तो पूरे गोल पड़ा बुझती। প্রচন্ড শক্ত না ओके गाइस, तो मैं गया था तेल लेने के लिए, सुबह ट्राई किया था लेकिन बारिश के कारण नहीं जा पाया, तो थोड़ी देर पहले जाकर लाया हूँ। और मेरा जो बाइक का हालत है वो कुछ ऐसा है, बहुत खराब हो चुका है, मिट्टी विट्टी लग के एकदम। देखिए पीछे का हालत देखिए, काफी खराब है। भाई इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अगरतला पे, और ये वाला जिंदा लाश लेकर जा रहा हूँ, इसका किडनी आंत नाक सब कुछ बेच दूंगा, बेच के एक आईफोन खरीदूंगा। मस्त प्लान है, पागल मान छो, ये जिंदा है। कोनो कोनो ओए सोरीला, अच्छा जी आशीष शर्मा।
ओके गाइस, तो पके हुए कटहलों को पहचानने का तरीका है, ये देखिए, ये वाला साउंड आएगा तो समझ लीजिए ये पक चुका है। ये वाला साउंड आएगा तो ये कटहल पक चुका है। ओके गाइस, तो ये जो कटहल है वो सब की सब दुकान पे ले जाकर बेच देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कटहल हम लोग नहीं खा पाएंगे, ये तो ये तीनों सड़ जाएगा अगर ज्यादा दिन रखेंगे तो।